सोच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। एक तरफ जहां योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने में लगी हुई है, तो वहीं सुल्तानपुर कुछ अलग ही वाकया सामने आया है। परिवार अपने बच्चे को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है, जिसे अपने बच्चे के इलाज के लिए 10 लाख नहीं बल्कि 16 करोड़ रुपए की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। परिवार ने अपने बच्चे के लिए लगाई मदद की गुहार। बच्चे को SMA टाइप 1 नाम की है बीमारी। इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की है जरूरत। इंजेक्शन ना लगने पर बच्चे की हो सकती है मौत। शासन और प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। दरअसल नगर कोतवाली के सोरमऊ स्थित बैंक कॉलोनी के रहने वाले सुमित कुमार सिंह, जो कि यूको बैंक में कर्मचारी है, इनकी पत्नी अंकिता सिंह गृहिणी है। सुमित के एक 5 साल की बेटी और 8 माह का एक बेटा अनमय सिंह है। करीब 3 महीने पहले अनमय की शारीरिक ग्रोथ में कुछ कमी हुई थी, तो सुमित और अंकिता ने इसे डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया। इसका आज तक ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है और इसका इंजेक्शन दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है। डॉक्टर ने बताया इसका और कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक इंजेक्शन है जिसका नाम जोलगेजमा है। वो एक US कंपनी है, नोवार्टिस, वो बनाती है इस इंजेक्शन को। और इस एक इंजेक्शन के बाद ही मेरे बच्चे की स्थिति सुधर सकती है। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। और उसे जोलगेजमा इंजेक्शन की कीमत है 16 करोड़ रुपए, जो हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली अपने आप नहीं इकट्ठा कर सकती है बिना लोगों के मदद के। हम ये इंजेक्शन शायद अपने बेटे को नहीं दिला पाएंगे अगर लोग हमारी मदद के लिए सामने नहीं आए। तो हमें उनकी मदद की बहुत ज़रूरत है ताकि हम अपने बच्चे को जोलगेजमा दिला सके, ताकि मेरा बच्चा भी एक आम बच्चे की तरह ज़िंदगी बिता सके, वो भी अपने पैर पर खड़ा हो सके, बैठ सके। सुल्तानपुर से लेकर लखनऊ तक डॉक्टरों के दिखाने पर जब आराम ना मिला, तो इन लोगों ने दिल्ली के सर गंगाराम और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों की ओर रुख किया। वहां दिखाने पर पता चला कि अनमय को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 1 नाम की गंभीर बीमारी हो चुकी है, जो करोड़ों बच्चों में एक आध को ही होती है। इस बीमारी के लक्षण मात्र 6 महीने में ही आने लगते हैं और 2 साल के भीतर ही बच्चे की मौत हो जाती है। बच्चा है जो 30 दिसंबर 2021 को पैदा हुआ, और शुरुआत में ये 8-9 दिन तक NICU में रहा। थोड़ा इसकी सांस की दिक्कत थी, फिर ये ठीक हो गया, हम लोग घर लेके आए। लेकिन 3-4 महीने का जब हुआ तो हम लोगों ने देखा कि ये जो है नॉर्मल बच्चों की तरह हाथ पैर नहीं हिलाता है और सर नहीं बैलेंस कर पाता है। तो हम लोग इसको लखनऊ लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाए, लेकिन वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या असल में बीमारी क्या है। फिर हम इसको सर गंगाराम दिल्ली लेके गए, वहाँ पे उन्होंने एक जेनेटिक टेस्ट लिखा और उस टेस्ट में निकल के आया कि इसको एक बहुत ही रेयर एक बीमारी होती है, स्पाइनो मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1। और ये इसमें क्या होता है कि बच्चा हाथ पैर नहीं हिला पाता है और सर भी नहीं बैलेंस कर पाता है, धीरे धीरे मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो है सांस भी नहीं ले पाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे 2 साल तक जीवित रहते हैं। और तो और इस बीमारी में जो इंजेक्शन लगता है उसका दाम सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाएंगे। मात्र एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि अगर अनमय को ये इंजेक्शन लग जाएगा तो उसे नया जीवन मिल जाएगा। सुमित की माने तो परिवार, रिश्तेदार और करीबियों के जरिए अभी तक महज 18.5 लाख रुपए ही एकत्रित हो पाए हैं। ये एक इलाज है लेकिन वो बहुत ही महंगा है। इसमें एक इंजेक्शन आता है जो कि 16 करोड़ से भी ज्यादा है जिसकी कीमत। हम लोगों को जब ये बात पता चली तो हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है आँख के सामने बिना इलाज के अगर उसको कुछ होता है तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। हम लोग फिर नेट पे सर्च किए और देखे कि पहले भी कुछ बच्चों का ऐसा केस था, तो उनके माँ बाप
जो है डोनेशंस के थ्रू जो है ये पैसा जो है इकट्ठा कर पाए हैं। तो हम लोग भी एक वेबसाइट है इम्पैक्ट गुरु नाम से, उस पर गए और इसका अकाउंट वगैरह सब बनवाया और डोनेशन के लिए लोगों के पास शेयर किया, दोस्तों के पास शेयर किया। तो अभी तक लगभग 18.5 लाख रुपए उसमें आ चुके हैं, जबकि 16 करोड़ के हिसाब से पैसे बहुत ही कम है। माँ अंकिता भी लोगों से रो रो कर अनमय को बचाने के लिए डोनेट करने की अपील कर रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता सिंह है और आज मैं आप लोग के सामने एक अपील लेकर आई हूँ। मेरा 7 मंथ का बेटा है अनमय, जिसको एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिजीज डिटेक्ट हुई है एस्मे, और इसको टाइप 1 सब सीवियर फॉर्म ऑफ एस्मे डिटेक्ट हुआ है। इस बीमारी में बच्चे को अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो उसका 2 साल तक भी सरवाइव कर पाना मुश्किल होगा। और इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, एक इंजेक्शन जोलगेजमा, जो कि 16 करोड़ का आता है। अकेले हम इस अमाउंट को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी मदद से शायद मेरे बच्चे को ये दवा मिल पाए। प्लीज मेरी मदद के लिए आगे आइए, आप जितना कर सकते हैं मेरे लिए प्लीज कीजिए। जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा अरे बहुत सुंदर मुस्कुराता है, मेरी सपोर्ट में आई है। अनमे को बचाने के लिए हम फंड रेज कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग के थ्रू पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। प्लीज आपसे जितना हो सके अनमे के लिए अपना योगदान दीजिए, ताकि मेरा बच्चा इस जीवन में आगे बढ़ सके, वो भी सुंदर दुनिया देख सके। प्रशासन से लेकर शासन तक गुहार लगा रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं और जन प्रतिनिधियों से अनुरोध कर रहे हैं कि उनके बच्चे को बचाने में मदद करें। फिलहाल देखना ये होगा कि बच्चे को बचाने के लिए खर्च होने वाली राशि देने के लिए कितने लोग सामने आते हैं और शासन और प्रशासन इनकी किस तरह से मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मजबूर माता पिता लोगों से तो गुहार लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ शासन प्रशासन से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं कि लोग मदद के लिए आके आएं और उनके बच्चे को बचाएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।